नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में आज युवाओं को संबोधित करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। प्रदूषण पर वैज्ञानिकों ने दी सलाह, मास्क पहनना ना भूलें। रूस ने खारिज की उत्तर कोरिया के साथ संबंध तोड़ने की अपील, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किम को भड़काया। डोकलाम पर चीन ने चली नई चाल, कड़ाके की ठंड में भी डोकलाम के पास ही तैनात रहेगी चीनी सेना, कहा डोकलाम पर किसी को नहीं करने देंगे कब्जा। अमेरिकी नागरिकता हासिल करने में मैक्सिकन्स के बाद भारत का नंबर, अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने जारी किया डेटा, 46,000 भारतीयों को मिली अमेरिकी नागरिकता। व्हाइट हाउस बना रहा है विदेश मंत्री टिलरसन को हटाने की योजना, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया बड़ा खुलासा, व्हाइट हाउस ने खबरों का किया खंडन। और ईरान के करमान शहर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई भूकंप की तीव्रता, प्रशासन ने भारी नुकसान की जताई आशंका। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।